तो कैसे हो आप लोग? तो गाइस, आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि पूरे दिन मैं घर पे बैठ के क्या क्या करता हूँ, मेरा पूरा दिन कटता कैसे है वैसे। तो चलिए देखते हैं। गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज निपुण चक्रवर्ती और आप देख रहे हो नील्स लाइफस्टाइल। इस खटिया के नीचे एक शैतान छुपा हुआ है। oh, no. तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो रहा मेरा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा शैतान। वो देख, इधर आओ। हूँ क्या? ये चल रहा है हम लोगों का प्यार की सिलसिला। चलो घूमने जाओगे? छत पर घूम घूम जाते हैं। चलो तो गाइस, अब हम जा रहे हैं छत पे भैया को घुमाने के लिए। मेरे प्यारा से नन्ना से मुन्ना से भैया, चलो रस्सी लेना जरूरी है क्योंकि ये बदमाशी भाग जा रहा है। कहीं क्या कर रहे तू? देखो बदमाश भाग रहा है, वरा झाड़ू सीमेंट वगैरह। अबे काम कर, तू क्या काम करेगा राजमिस्त्री का? और ऊपर सीढ़ी पे नहीं चढ़ेगा? तेरे पीठ का बाल खड़ा कैसे हो गया? क्यों हो गया? ये ऐसे नहीं जाएगा गाइस, इसको गोद में उठाना पड़ेगा। फिर ये जाएगा बदमाश, ये बदमाश फिर जाएगा। ये मेरे गोद में है अभी। अरे ये क्या कर रहा है? अरे ये क्या है, नारा है क्या? धूल मिट्टी से नारा है। गाइज आज मेरी ये प्यारे से भाई को दिखाने का एक ही मकसद था, मतलब हमारा जो है इंडियन कैट इतना सुंदर दिखता है, तो विदेश से आप लोग फालतू का क्यों खरीदते हो? जो रास्ते में होते हैं खाना मिलता नहीं, उसको इधर उधर घूमता रहता है, वैसी कोई अगर कैट आप लेते हो, उसको पाल पोस के बड़ा करते हो, तो वही आपको मतलब बहुत प्यार देगा। ऐसा नहीं कि आपको मतलब फॉरेन जो कैट होते हैं वो आपको ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, वो देखने में सुंदर लगता है, पर वो भी अगर रखना है तो आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मेरा मानना है कि रास्ते पे जो मतलब बिल्लियाँ होते हैं, जो जिसको खाना नहीं मिलता ठीक तरह से, तो उसको भी गोद लेना चाहिए सबको। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने स्टेटस के लिए पालो, सच्ची मुच्ची का प्यार करना चाहिए उस सब बिल्लियों से। सिर्फ बिल्लियाँ नहीं है, कुत्ते भी है, जितना भी स्ट्रे डॉग है सब। आप ऐसे स्टेटस के लिए अगर लेना है तो मत लो, जो रास्ते में सड़क पे जो होते हैं उसको भी आप अगर ऐसे पालोगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो भी तो एक बच्चा है ना आखिर, वो भी तो उसमें भी अच्छा ही बुराइयाँ होते हैं, उसको उसका भी एक दिल होता है, उसको भी तसल्ली मिलती है अगर आप पालते हो। वो भी आपका उतना ही रक्षा करेगा जितना एक फॉरेन कैट या डॉग आपको आपके लिए करता है। और सबका ये कहना है, जितने भी मतलब कैट डॉग एक्सपर्ट या डॉक्टर वगैरह जो होते हैं, इन लोगों का माइंड पढ़ते हैं जो लोग कैट माइंड एक्सपर्ट हो जो भी हो, तो उन लोगों का ये मानना है कि इंडियन कैट और डॉग सबसे ज़्यादा मतलब तेज़ उसका दिमाग होता है और सबसे ज़्यादा वो इंटेलिजेंट होता है। या तो वो साफ सुथरे जगह पे जाके ये देखिए बैठ गया। क्या यहाँ पे ठंडा है क्या? एसी लगा हुआ है? पापा ने तो यहाँ पर एसी नहीं लगाया था। गाइस ये रहा मेरा शेर का बच्चा बिल्ली।
शेर का बच्चा म्याऊ। सिम्बा इसका एक मतलब, ये पुकू इसका निक नेम है। अगर इसका ओरिजिनल नेम पूछोगे तो इसका ओरिजिनल नेम है सिम्बा। इसका आई कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड सब बनाने के लिए दिया है, हम एप्लीकेशन दिया है, तो अभी तक आया नहीं। जब आ जाएगा तो हम shaadi.com पे इसका फोटो डालेंगे, क्योंकि लड़कियों की मतलब बहुत डिमांड है। वो हमारे आसपास जितने भी लड़कियां बिल्ली है वो सब इस पे इसको बहुत ताकते हैं। वाओ व्हाट अ हैंडसम गाय यू आर। अपनी आधा दिखाओ, आधा आधा पिंक पिंक होंठ, वही भी लड़की फिदा हो जाएगी। हम लोग इसको बहुत संभाल के रखते हैं। छत पर बहुत ही गर्म है, मतलब बचाओ वाला धूप। oh, no. और पसीना निकल रहा है, क्या करूँ, इसको लेके तो घूमना पड़ेगा। या कह रहा ये बच्चा किसी से भी मिलता जुलता नहीं है, किसी से भी बात भी नहीं करता है, तो हम लोगों के सिवा इसका कोई है नहीं, तो जो भी करना होता है हम लोग करना होता है। तो ये देखिए इधर है ये, इंडिया वॉन्ट टू सी यू, प्लीज कम हियर। तुम वहाँ पे बैठ के रिलैक्स कर रहे हो और मेरा यहाँ पे भरता बना हुआ है। आप लोग देख सकते हो गाइस, ये वहाँ पे बैठ के रिलैक्स कर रहा है और इसका जो बड़े भैया जिसका पसीना निकल के मतलब इतना पसीना निकला है पूरा शर्ट भीग गया है, तो कोई आता जाता कोई लेना देना नहीं है इसमें। देखिए कितना रिलैक्स से बैठा हुआ है और मैं देखिए धूप में खड़ा हूँ, मतलब बैठा हूँ। ये देखिए गुलशन गोबरा की तरह बैठा है। अब तो बड़ा मजा आएगा। क्या है ये, कौन है ये, कहां से आते हैं? अबे तू यही बैठा रहेगा क्या, तू क्या यही बैठा रहेगा? हाँ मुझे भी कहां पे घुसना पड़ रहा है। देखिए गाइस, ओह माय गॉड, मम्मी दोनों को बहुत मारेंगे देखना। दोनों यहाँ पे बैठ बैठ के झूल में थे, मतलब पूरा शरीर में लगा रहे हैं, इतना मार खाएंगे ना। देख खुद को, देख कैसा लग रहा है तुझे, खुद को देख के खुद को कैसा लग रहा है बता। मैं हूँ हीरो। भैया मेरे इधर तो जरा आना भैया मेरे। अरे भाग कहाँ रहा है तू, अरे बाप रे, आओ आओ। देखिए इसको पसंद नहीं आ रहा है, इतना प्यार इसको हजम नहीं हो रहा है, इसलिए देखिए देखिए ये कोई मतलब क्या है इसका, मैं इतना प्यार कर रहा हूँ, इसका कोई इज्जत ही नहीं दिया मुझे। देखिए नाक, मेरा नाक पकड़ के रखा है, मुझे बात करने के लिए मतलब मेरे बकबक बंद करने के लिए बोल रहा है ये। क्या यही है क्या? हाँ देखिए यही है क्या, बकबक बंद करना है। देखो देखो यार, जो भाई इतना, अगर अपने भाई से इतना प्यार करते हो वो इसको कैसे रोके, बोलिए। चल नीचे चल, ये बंदा सीधे तरीके से नीचे नहीं आता है, इसको गोद में उठा के बच्चे जैसे लाना पड़ता है। मुझे अभी रसना पीना है, तो मैं अभी रसना बनाने जा रहा हूँ, मुझे बहुत जोर का प्यास लगा है। गाइस रेडी है मेरा रसना। अब मैं जाऊंगा थोड़ा बाहर, मुझे एक काम याद आ गया, मुझे बाहर जाना है, तो वापस आता हूँ। गाइस मैंने अपना काम बाहर जाके निपटा लिया है, तो मैं घर पे आके सबसे पहले क्या करता हूँ पता है? ये रहा हैंड सैनिटाइजर, इससे मैं अपना हाथ पहले सैनिटाइज करूँगा, फिर मैं हाथ धोने जाऊँगा, क्योंकि सैनिटाइज हाथ में लगा के मैं खाना नहीं खा सकता। अब दोपहर हो चुका है, तो मैं दोपहर का खाना भी खाना है मुझे। अब हाथ धोने जा रहा है, मैंने मूवी धो लिया है। गाइस अब है लंच टाइम, ये रहा चावल और ये रहा दाल, ये रहा मच्छी का अंडे फ्राई किया हुआ और ये रहा सोयाबीन। तो इससे आज का खाना मेरा होगा दोपहर का, तो मिलते हैं खाने के बाद। तो गाइस खाना मेरा खत्म हो गया है,
मैं ज़मीन पे लेटा हूँ अभी एक तकिया लेकर, ये देखिए। तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ज़मीन बहुत ठंडी होती है। तो आओ, क्योंकि घर में एसी नहीं है। मैं गरीब हूँ, सिर्फ एक फैन है वही चलता है। तो अभी गाइस मुझे सोना है, तो नींद से उठने के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। Few moments later. उठ के मैं अब क्या कर रहा हूँ पता है, मेरा ये मूवी टाइम चल अच्छा है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सपेरा और सांप का जो है ना खेल होता है वो मैं दिखाऊंगा। तो आपको पता है सपेरा कौन है, तो ये देखिए, ये है वो सपेरा। ये देखिए पूरा सफेद एक सपेरा है और ये आ रहा है सांप उसके पास। जरा जाके मायर का गाइस ये था सांप और सपेरे का खेल। तो आपने देखा ना, मतलब वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया था, अभी भी देखिए दूम हिला रहा है। कैसा लगा आपको ये, आप लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर बताओ। और वो मुझसे बहुत नाराज हो गया था, ठीक है, अगर थोड़ी देर वैसा करता रहता तो मुझे काट लेता, ठीक है। तो मैं ज़्यादा देर उसके साथ नहीं खेल सकता ऐसे हालत में। तो अभी 10:30 बज चुका है, मेरा डिनर का टाइम हो गया है, तो चलिए डिनर करते हैं। क्या डिनर में क्या है ये आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। यह है सोयाबीन, यह है साग का क्या बोलते हैं पकौड़ा, और यह मच्छी का झोल, और ये ना वही तो सोयाबीन है। अच्छा, तो गाइज यही है हमारा रात का खाना। तो मिलते हैं खाने के बाद। डिनर मेरा कम्प्लीट हो गया है, तो मैं अब जाऊँगा सोने, क्योंकि मुझे बहुत नींद, जोर का नींद आ गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, और सबका ख्याल रखिए, खुद का भी। और वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, और बुरा भी लगा तो डिसलाइक भी करना है तो वो भी कर दो, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बाय।